दर्शकों नमस्कार, मैं आ गया हूँ दोबारा इस वीक। लास्ट वीक मैंने दो एक्सरसाइज बताई थी, आपके व्यूज भी आने शुरू हो गए हैं। अभी मैं बताता हूँ, बहुत ज़रूरी प्रीचर कल और कंसंट्रेशन कल, ये बाइसेप पीक के लिए एक्सरसाइज है और दोनों कंसंट्रेशन की। ये जो प्रीचर बैंक बनाया गया है ना, इसकी भी रिसर्च इसलिए हुई कि ये यहाँ रहेगा और कंसंट्रेशन वर्क है ये। इस पे आप सिंगल आर्म भी कर सकते हो, मैं बाद में बताऊंगा। और अभी चलो आप तक, ये आपको गलत कम होने देता है, लेकिन फिर भी आप इस बच्चे को देखो। और अगर मैं थोड़ा वेट डालूंगा ना, इसके शोल्डर भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा वेट, हाँ जी। अभी क्या होता है, जब किसी बच्चे को मास्टर जी खड़े हो ना, तो गलती कम करने की कोशिश करता है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें मेन गलती क्या है। आप खड़े हो, वेट डालो जी, वेट डालो। अब देखिए, जब कोई वेट नहीं उठ रहा, ये पीछे टांगे लेंगे, और वेट डाल लेंगे तो और ओवर वेट हो जाएगा, तो वो पीछे टांगे, पीछे टांगे आपको नहीं ले जानी। ये कंसंट्रेशन वर्क है और आपको आराम से इसमें मीडियोकर वेट डाल के, फिर इसमें कोई चैंपियनशिप नहीं हो रही। आप मीडियोकर वेट ले गए और ठीक से अगर कंसंट्रेशन से मारते हैं ना, तो आपका बाइसेप पूरा पंप हो गया जी। बहुत बहुत लोग नीचे चले जाते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, ऊपर लाओ, ऊपर ऊपर, ये यहाँ, ये भी गलत है। फिर यहाँ एल्बो इंजर्ड होगी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, वो भी गलत है। अभी देखो, क्योंकि वो टेंशन खत्म कर देते हैं, हर बार मसल को रिलैक्स कर देते हैं। अभी मुकेश जी आपको बताएंगे। चलो मुकेश जी, पहले आप गलत बताओ या पहले ठीक बताओ, पहले ठीक बताओ, ताकि उनको एक तो ये आपका यही रहेगा। चलो जी, ये आप देखो, ये है कंसंट्रेशन, ये देखो भाई सब, देख रहे हो आप ये। अब इनको गलत वाला बताओ, ये देखो, ये पूरा नीचे तक ले जाते हैं, वो गलत है। ये मैंने बोला ना, डोंट रिलैक्स द मसल ड्यूरिंग द सेट्स, अब वहीं तक ले जाना। देखो अब ये टेंस, यही ये कंसंट्रेशन, दोबारा राइट बोलो, यहीं से ये कंसंट्रेशन वर्क है फॉर योर बाइसेप पीक, इसको ऐसे ही करना है ये। बहुत अच्छे, वही पूरा रिलैक्स नहीं, एल्बो जो है ना पूरी सीधी नहीं होगी, बहुत कोई नीचे, बहुत नीचे तक ले जाते हैं, और कोई बिल्कुल ही आधा करते हैं, आधा आधा, कि जल्दी भी हो और पंप भी हो जाए। इट इज पंप, अगर आप परमानेंट पंप चाहते हो तो आपको अच्छी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आप, कुछ लोग पता है क्या होता है, जब भी जिम में आते हैं वो फटाफट डंबल मारते हैं जल्दी जल्दी, और पीछे भी जल्दी जल्दी, थोड़े पुशअप भी कर लेंगे, आधे करेंगे, वो सिर्फ ये चाहते हैं टी शर्ट उतार रही है, अभी नीचे सैंडो पहनी हुई है, उससे पहले मैं पंप करूँ तब, ताकि सारे जिम में देखें। जिम में 50-20-30 बंदे हो सकते हैं, वो उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप मार्केट में आओगे, इन लोगों की बॉडी क्यों पंप रहती है, सालों साल की मेहनत है, और एक बार ये ट्रेन हो जाए तो अगले नहीं, एक हफ्ते तक वहाँ पे, क्योंकि बॉडी को अपने स्थान में आने में अगर 100% जोर आपका लगा हुआ है, तो आप सीढ़ियाँ चढ़ के भी घर बड़े आराम से जाओगे। बाइक तो चलाने की बात छोड़ो, ये जिम का वर्कआउट है। इसलिए आपको मैंने दो चीज़ें बताई, प्रीचर, अभी दूसरा कंसंट्रेशन बताने वाला हूँ। इधर आओ, कंसंट्रेशन लगाओ, चलो बताओ जी इसको, कंसंट्रेशन पकड़ाओ, चलो घर बैठो, अरे इधर बैठो, इधर इधर बैठो, अब ये नया बच्चा है बिल्कुल, ठीक है, चलो हाँ करो, ये देखो, अब इसको पता ही नहीं है इसकी जो रिस्ट है वो किधर जा रही है और क्या करना है, ये पहली बार गया, और इसको मज़ा भी कम आएगा, क्योंकि इसकी फोरआर्म इसकी बाइसेप से ज़्यादा है, वो मज़ा ये बाद में लेगा। अभी रियल मायने में इसका मैं तरीका बताता हूँ, मुझे जी वेट दो, वेट दो। अगर इस एक्सरसाइज को आपने ढंग से कर लिया, इसकी कोई गिनती नहीं होती, पहले तो कंसंट्रेशन कल के आगे रैप नहीं लिखने शेड्यूल में, ये कंसंट्रेशन मींस माइंड एंड बाइसेप को कंसंट्रेट करके अपने मसल, कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है। इसमें रैप इंक्लूड नहीं होते, रैप नहीं इंक्लूड होते, मतलब किसी कागज में लिखे नहीं जाते 4 सेट 10 4 सेट नहीं होंगे। देखो आप, चलो अब चलते जाएंगे, पंप होता जाएगा, ये करते जाएंगे, जब इनको फील होगा
ये राइट पोजीशन है इसकी, आप बिल्कुल राइट पोजीशन देखो, रिलीज हुई देख लेना, हाथ टाइट रखना, सीधा नहीं ले जाना, टेंस रखना मसल को। हाँ, अब जब एक थक गया तो दूसरे पे चले जाओ, ये देखो अब इस पे आ जाओ, इसमें गिनती नहीं होगी, आप जरा ये दिखाओ, हाँ जी ये इसकी गिनती नहीं होगी, गिनती नहीं होगी, रिलैक्स, हाँ चलते रहना है, चलो गुड, चलते रहना है ये, और पूरा सीधा नहीं करना, टेंस रखना है मसल को, जैसे ऐसे 5-6-7 सेट जब आपको लगे कि मैं पूरा पंप हो गया हूं, देन यू कैन ये, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। देखो अच्छा हर रैप आपको फर्क डालेगा, जरा हाँ ये देखो, यस यू सी एनी रुपीज और एनी पेनी और पैसा इज वर्थ वाइल, अगर वो अच्छा है, अगर वो खोटा है, उसका सिक्का डुप्लीकेट है, तो उसका कोई वर्थ वाइल नहीं, चाहे 100 का बन जाए, ठीक है, मार्केट वैल्यू नहीं है, एवरी रैप इज हैविंग हिज ओन वैल्यू बट इट इज इन राइट डायरेक्शन। सो आज मैंने आपको दो चीजें बताई, पिचर कल और कंसंट्रेशन, अगले एपिसोड में मैं आपको दो पार्ट पे और बताने वाला हूँ, कीप वेटिंग, और आप बताते रहो आपको कैसा लग रहा है, हमारे को बताते रहो, थैंक यू वेरी मच, कमियां भी बताना, मिल सकता है, वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, वी आर डूइंग अवर पार्ट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।